हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। देखो गाइस, BGMI के अंदर A8 रॉयल पास आए हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लगभग वीक 7 भी ओपन हो चुका है। पहले ऐसा था कि हम लोग का सिर्फ वीक 7 ही आता था, उसके बाद रॉयल पास एंड होता है। लेकिन अभी क्या है कि वीक 8 भी आना बाकी है इस बार रॉयल पास के अंदर BGMI के। लेकिन गाइस, हमारा जो मेन चीज़ होती है ना, 100 RP कम्प्लीट करना, उसके बाद यार फिर इतना मज़ा नहीं रहता कि यार क्या ही मिशन दे रहे हैं बार बार ये लोग। लेकिन गाइस सर, देखो अब A8 रॉयल पास आ गया, बोनस पास भी आ चुका है, तो इसके बाद आने वाला है हमारा न्यू रॉयल पास गाइस, वो होने वाला A9 का। तो अभी A9 की रॉयल पास की लीक्स आ चुकी है, काफ़ी प्यारा और रॉयल पास आ रहा है। तो चलिए हम फटाफट से उसको देखते हैं। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस सर, इस वीडियो का क्रेडिट जाता है मैट तमेज़ भाई को, जिनका चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल गाइस हम लोग देख लेते हैं कि रॉयल पास A9 का। तो गाइस सबसे पहली चीज़ कि यार आप सभी लोगों को इस बार एक न्यू हेयर की स्किन देखने को मिलने वाली है, पर ये जो हेयर है ना वो एकदम से चिपका सा हुआ है, तो इतना कुछ खास लग नहीं रहा है। तो ठीक है यार, मतलब दे रहे हैं। बाकी गाइस आपको 40 RP पे आप लोग को ये वाला आउटफिट देखने को मिलने वाला है, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो ये जो आउटफिट है ना, ये अगर आप अपडेट बैन के खेलोगे अपडेट वर्जन को, तो यार बहुत एकदम छिप सा जाएगा, तो आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। बाकी गाइस यार, ये आप सभी लोग देख सकते हो कि ये शायद 100 RP वाला आउटफिट है। एंड गाइस ये EP का आउटफिट है, जो कि नॉर्मली सभी बंदों को मिलेगा, तो सभी लोग ये आउटफिट ले सकते हैं। पर मेरे को सबसे बेस्ट आउटफिट जो लगा वो 40 RP वाला लगा। बाकी गाइस यार, इमोट आप सभी लोग देख सकते हो कि जो कि रॉयल पास का होने वाला है, तो ये होने वाली है एक यूजी की अपग्रेडेबल स्किन आ रही है इस बार, तो उसका ही इमोट होने वाला है। तो इमोट तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर इमोट है ठीक ठाक सा कह सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा वाला इमोट भी बिल्कुल वैसा ही है, मतलब ये एक यूजी के साथ मिल जाएगा, सॉरी आउटफिट के साथ मिलेगा, बाकी एक यूजी के साथ मिलेगा। बाकी एक इमोट आप सभी लोग को और देखने को मिलता है इसके अंदर, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, और ये इमोट यार बहुत ज़्यादा सही है, मतलब सही है, मतलब ऐसा लगता भी नहीं है। बाकी यार आप सभी लोग को एक और इमोट है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इमोट है। इमोट इस बार के हाँ ठीक ठाक से कह सकते हो कि हाँ अच्छे हैं। जो EP के इमोट्स हैं वो बहुत मतलब एक नंबर लाजवाब इमोट्स हैं। तो बाकी गन्स की स्किन आप सभी लोग देख सकते हो कि एक SLR की स्किन आने वाली है, जो कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने अच्छे तरीके से कि ये नॉर्मल स्किन होने वाली है, कोई अपग्रेडेबल स्किन नहीं होने वाली है। ये कौन कितने RP मिलेगी, आई थिंक 70 RP पे शायद है, देखने पड़ेगा कितने RP पे। बाकी 50 RP आप सभी लोग को पता है कि यूजी की स्किन आ रही है, जो कि अपग्रेडेबल होने वाली है। तो जिनके पास कोई भी अपग्रेडेबल स्किन नहीं थी या यूजी की अपग्रेडेबल स्किन नहीं थी, मेरे पास भी नहीं है, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि चलो यार एक अपग्रेडेबल यूजी की स्किन हो जाएगी। और यूजी का क्लोज रेंज में आपको पता है कितना बड़ा डोमिनेशन होता है, मतलब एक नंबर चलती है यूजी, और कहीं फंसती भी नहीं है, और नॉर्मल सी एमो लगती है, ज़्यादा बैकपैक में वजन भी नहीं होता है। बाकी एक यहाँ पे सिकल की स्किन आ रही है, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा सही है, पर ये बहुत ज़्यादा रेड है, तो ये अगर इस प्रोन ऑन करोगे तो बंदर दिख जाएगा। बाकी एक AWM की स्किन आ रही, जो कि आप सभी लोग देख सकते हो कि यार AWM की स्किन है, इससे अच्छी अच्छी मेरे पास है, पर ठीक है यार चलो ये भी दे दिए तो अच्छी बात है। बाकी गाइस सबसे बेस्ट मुझे लगा S12 की स्किन, यार अपग्रेडेबल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन S12 की स्किन देखने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं S12 के चलाता हूँ आजकल बहुत मज़ा आता है मुझे चलाने में, तो देखता हूँ कि स्किन लगाने के बाद कैसा मेरा लक रहता है। बाकी एक हनी बेजर की स्किन आ रही, जो कि आपको 90 RP भी जाके देखने को मिलेगी, तो ये हनी बेजर की स्किन आप सभी लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा खास है, हाँ इवेंट से मैच करती हुई है। बाकी एक स्मोक की स्किन आ रही है, ग्रेनेड वगैरह की स्किन आती है, इस बार मोली की अपग्रेडेबल स्किन आ रही है, तो चाहे ग्रेनेड दे दें चाहे मोली दे दें, उनका यही काम रहता है, एक ना एक स्किन देते हैं जो कि अपग्रेडेबल होती है। आप सभी लोग देख सकते हो कि आपको यहाँ पे बैकपैक की स्किन दिखाई जाएगी, तो यहाँ पे बैकपैक देख सकते हो कि Level 1 का नॉर्मल सा बैकपैक है, तो बैकपैक वगैरह कुछ खास नहीं रहते हैं इसमें, तो हम लोग ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देते, ऑलरेडी हम लोग के फेवरेट बैकपैक अलग होते हैं। ऑर्नामेंट भी आप सभी लोग देख सकते हो कि काफ़ी सही है, ऑलरेडी एक बार मैंने इसकी लीक्स दिखा दिया हूँ, लेकिन यार ये जो लीक्स है ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये होने वाली हेलमेट की स्किन, हेलमेट की स्किन कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, तो हेलमेट वगैरह को छोड़ देते हैं। बाकी एक बग्गी की स्किन आ रही है, तो जिनके पास बग्गी की स्किन नहीं थी उनके लिए ठीक है, लेकिन यार मेरे को स्किन बिल्कुल ही बकवास लगी है, क्योंकि ऑलरेडी इससे अच्छी स्किन हम लोगों के लिए आ चुकी है, इसके टायर वगैरह चेंज होते हैं तो अच्छा भी लगता है, टायर तो वैसे ही ब्लैक कलर के हैं तो बेकार रहेगा मेरे हिसाब से, आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। तो मेरे को बग्गी की स्किन बिल्कुल 0 बार सन्नाटा दूंगा मैं इसको। प्लेन भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एकदम बकवास सा प्लेन है, इसको भी मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा हूँ। तो प्लेन इस बार A8 रॉयल पास का ज़्यादा अच्छा था, तो ये प्लेन तो मतलब बिल्कुल ही बकवास है।
बाकी आपको यहाँ पे विंगमैन की स्किन आ रही है तो ये भी यार मेरे को समझ में क्यों देते हैं भाई, ये क्या है मतलब, ना तो आप लॉबी में उड़ा सकते हो, सिर्फ चेयर पार्क में कर सकते हो, चेयर पार्क हम लोग जाते भी नहीं है, तो क्या ही मतलब इसको दे देते हैं लोग। चलो ठीक है, इनकी मर्जी है। तो रॉयल पास तो आपको मैंने दिखा दिया, ये पैराशूट आने वाला है, तो रॉयल पास कुल मिला के ठीक ठाक सा कह सकते हैं, एवरेज रॉयल पास कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा ओवर नहीं है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कुछ ज़्यादा फ्री में नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ है। बाकी बोनस पास भी आप सभी लोग लगे हाथ तो देख भी लो, तो ये